पलवल जिले के गांव में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। महिला थाना पुलिस ने पीड़ित नाबालिग लड़की की मां की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भले ही सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने प्रत्येक जिले में महिला थाने खोल दिए हैं, लेकिन बेटियाँ आज भी सुरक्षित नहीं हैं। इसी का ताज़ा मामला सामने आया जिले के गाँव, जहाँ दो सगे भाई एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर घर से खेतों में ले गए और वहां उसके साथ बलात्कार किया। महिला थाना प्रभारी अंजू देवी ने बताया कि एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि गत 11 अगस्त को करीब 12 बजे घर से किसी काम के लिए गई महिला उसकी 13 वर्षीय नाबालिग लड़की घर से अकेली थी, तभी आरोपी दो युवक उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसला कर खेतों में ले गए। जब उन्होंने अपना काम करके घर वह वापस आई तो मुझे मेरी पुत्री नहीं मिली। मैंने अपनी पुत्री को काफ़ी तलाश किया। करीब 2 बजे मेरी पुत्री घर आई तो मुझे उसकी हालत देखकर कुछ शक हुआ। जब मैंने पूछा तो उसने बताया कि उसके साथ गोपाल और राहुल ने बलात्कार किया है और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी है। महिला थाना प्रभारी ने बताया कि मामला दर्ज कर आरोपी गोपाल को गिरफ्तार कर लिया है। क्या मामला है कि नाबालिग के रिलेटेड का मामला है कि माता जी शिकायत दी क्या है? पीड़िता की माता ने आके शिकायत दी कि दिनांक 11/8 को करीब 12 बजे मैं अपने घर पे नहीं थी, जो मेरी पुत्री वही घर पे अकेली थी और पीछे से आरोपी घर आया, उसे पहला फुसला कर आरोपी अपने साथ उसे लेके चला गया और उसके बाद वो वहाँ पर पीड़िता को खेतों में लेके गया और वहाँ पर पीड़िता के साथ में गलत कार्य किया। और उसने भैया कहा कि अगर घर किसी को बताएगी तो तुझे जब जान से मार दूंगा और तेरे परिवार को भी मैं खत्म करवा दूंगा। पीड़िता के मेडिकल वगैरह करवाया जा चुका है और आरोपी को भी आज गिरफ्तार किया जा चुका है। हाँ।